no, papa. Telling lie, no, papa. Open your mouth. Maho. Mari, open your mouth. Good girl. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ummeed hai aap sab khairiyat se honge. अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। क्यूट महरा के चैनल में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बनाएँगे मिक्स सब्ज़ियों का पुलाव। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चावल। चावलों को अच्छी तरह धोकर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। हम लेंगे 2 अदद कटे हुए आलू। सब्ज़ियाँ आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं। हमने लिए हैं गाजर, गोभी और मटर। 1 बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज, चंद कटी हुई हरी मिर्चें, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच पुलाव मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, 1/2 कप कुकिंग ऑयल में चॉप किया हुआ अदरक और ज़ीरा डाल के हल्का सा भूनेंगे। फिर उसमें हरी मिर्च और प्याज शामिल करेंगे। फिर उसे थोड़ा सा भूनेंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। फिर इसमें हम आलू शामिल करेंगे। सारी सब्जियां और टमाटर भी इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे, साथ में नमक भी शामिल कर देंगे और 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगे। देखें सब्जियां बिल्कुल भुन चुकी हैं और टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी। इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। आलू गल जाए तब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख देंगे। अब चावल का पानी खुश्क हो चुका है। हम मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। हमारी सब्जियों का पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें।
इसके साथ हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, एक छोटा प्याज और एक बड़ा टमाटर। इन सारी चीज़ों को हम काट कर एक चॉपर में डालकर बारीक चॉप करेंगे। फिर एक बर्तन में डालकर इस पर नींबू निचोड़ेंगे, नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है। ये चटनी पुलाव के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे पुलाव मसाले की रेसिपी शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमारे साथ रहिए, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। इंशाल्लाह हम इसी तरह मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक छोटी सी बात, सब्र से गुजार कर अल्लाह तुम्हारे यकीन का इम्तहान लेता है, वो तुम्हें सज़ा नहीं देता, वो तो बस अपने करीब लाने के लिए आजमाता है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।